राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी धान की फसल जब 20 दिन के रहता है, तो 20 दिन से लेके 45 दिन के बीच में ऐसे कौन कौन से खाद का उपयोग करें जिससे हमारी धान का अच्छा उपज आए और बेहतर विकास हो और साथ ही साथ बहुत अच्छा कल्ले दें। इसके लिए कौन कौन से चीज़ों का उपयोग करना है आप लोगों को 20 दिन से 45 दिन के भीतर में, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। 20 दिन से 45 दिन यानी कि 25 दिन के आसपास हमें क्या करना है धान के फसल में, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जिंक और सल्फर का उपयोग करना है। प्रति एकड़ 5 kg जिंक 33% और सल्फर 90% प्रति एकड़, 3 kg, इन दोनों को मिलाकर छिड़काव कर देना। अब इसके बाद किसान भाइयों, हमें हमारे धान की फसल में एक कीटनाशक का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, मैं 2 से 3 कीटनाशक का नाम बता देता हूँ, उनमें से किसी एक कीटनाशक का प्रयोग कर लेना। पहला कीटनाशक है फटेरा, जिसमें टेक्निकल रहता है क्लोरो अल्ट्रा नीली प्रो 0.4%। दूसरा कीटनाशक है वटाको, वटाको में 2 टेक्निकल रहता है किसान भाइयों, पहला जो है क्लोरो अल्ट्रा नीली प्रो और दूसरा थाइमोथाक्सम, और तीसरा है फ्यूरोडान। इन तीनों में से किसी एक इंसेक्टिसाइड का आप प्रयोग कर सकते हो, रेत या यूरिया में मिलाकर छिड़काव करना है किसान भाइयों। अब इसके बाद हमें अपने हमारे धान की फसल में यूरिया का प्रयोग करना है। यूरिया के प्रयोग करने से हमारे धान पीला नहीं पड़ता और हरा भरा बना रहता है। तो यूरिया प्रति एकड़ 45 किलो यूरिया, और यूरिया के साथ में बायोईटा का प्रयोग करना है किसान। बायोईटा PI का आता है किसान भाइयों। बायोईटा में लगभग 60 से अधिक पोषक तत्व रहता है। ये धान के विकास के लिए बहुत बेहतर है और कल्ले बढ़ाने में बहुत मदद करता है। किसान भाइयों, प्रति एकड़ 4 kg बायोईटा और 45 किलो यूरिया दोनों को एक साथ मिलाकर अपने खेत में छिड़काव कर सकते हो। किसान भाइयों, इसके साथ साथ हमारा खेत में नमी रहना या खेत में पानी भर के रखना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।